नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका पर 2 सप्ताह में फैसला ले सकती है राष्ट्रपति। मणिपुर के हालात पर आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उच्च स्तरीय बैठक। कोहरे के कारण 7 घंटे देरी से चल रही ट्रेनें जयपुर चेन्नई और अजमेर सियालदा एक्सप्रेस पर पड़ा असर। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का 9वां कॉन्वोकेशन, राज्यपाल ने 1421 स्टूडेंट्स को दी उपाधि। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, पहले कोई विश्वविद्यालय ए ग्रेड नहीं था। राहुल ने एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया, कहा ये मोदी जी का नारा है, हमने बताया कि कौन एक है कौन सेफ है। बहराइच हिंसा आरोपियों का घर तोड़े जाने के मामले पर आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी यूपी सरकार। दिल्ली में प्रदूषण के बीच बोली सीएम आतिशी, पंजाब हरियाणा एमपी यूपी में जलाई जा रही पराली। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल। महाराष्ट्र के पाटन में मेडिकल छात्र की मौत मामले में एंटी रैगिंग कमेटी ने 15 सीनियर छात्रों को किया सस्पेंड। अयोध्या में प्रभु राम का तिलकोत्सव, 300 मेहमान जनकपुरी से पहुंच रहे। ग्वालियर में युवक युवती एक दूसरे का हाथ थामकर एसपी ऑफिस पहुंचे, प्रेमी बोला प्यार के लिए हिंदू धर्म अपनाऊंगा, प्रेमिका ने कहा यही मेरा सब कुछ। G20 मीटिंग में शामिल होने पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे, संस्कृत मंत्रों से स्वागत हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। दिल्ली में कैलाश गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। एक तिहाई ऋण वसूली, न्यायाधिकारीगण बंद पड़े, नहीं हो पा रही कर्ज वसूली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। बहराइच में बुलडोजर चलाने का मामला टला, लखनऊ हाईकोर्ट में 27 नवंबर को होगी सुनवाई, राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष। कैलाश गहलोत ने कहा रातों रात नहीं लिया आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला। 300 नाबालिगों के आधार से खोले फर्जी बैंक खाते, साइबर ठग गिरोह ने 24 महीने में करोड़ों कमाए, देश के 6 शहरों में नेटवर्क। महाकुंभ की वजह से टल सकती है यूपी में बोर्ड परीक्षाएं। पीएम मोदी के राज्य को लूटने वाले बयान पर भड़के सीएम सिद्धारमैया, बोले हम मुकदमा दायर करेंगे। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।